नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर पर कबास से। पुलिस संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिस अपराधियों के खिलाफ नहीं लिख रही FIR। पीड़ित सुबह से थाने में तहरीर के लिए बैठे हुए हैं। बता दें कोतवाली प्रभारी पीड़ित की दबंगों के आगे नहीं सुन रहे फरियाद। पीड़ित ने दबंगों से साठगांठ कर पैसा लेन देन कर FIR न लिखने का आरोप लगाया है। वहीं कोतवाली प्रभारी की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित अपने परिवार व 2 माह के बच्चे के साथ सुबह से बैठा न्याय के लिए थाने में। बता दें पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद तो कोतवाली में करूंगा आत्मदाह, पीड़ित ने ऐसा कहा। फरखाबाद कोतवाली का ये पूरा मामला है, देखिए रिपोर्ट रघुवंश दुबे के साथ। मैं सुबह से महोदय बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम धीरज कुमार पांडे है, शिवनगर कॉलोनी का निवासी हूँ। मेरी पत्नी के ऊपर 24 दिसंबर को जानलेवा हमला किया था मेरे पड़ोसी विनय दीक्षित ने, साथ में श्यामेंद्र दुबे और नीरज दुबे उनके साथ में थे। उस समय मैं लखनऊ में था, तो मैं जब लखनऊ से आया रात में तो मैंने मुकदमा लिखाया 24 तारीख को यहाँ पर कोतवाली में आकर के। उसके अगेंस्ट में एक फर्जी मुकदमा यहाँ से मेरे खिलाफ़ लिखा गया, जिस पर कप्तान साहब ने न्यायिक जांच करा के उसमें जो है कानूनी कार्रवाई और ये हमें आश्वासन दिया कि फर्जी लिखा गया है तो बर्खास्त भी होगा और उस पर कार्रवाई हो रही है। आज क्या मामला रहा? आज मामला ये है कि श्यामेंद्र दुबे ज़बरदस्ती जो है अपनी दबंगई से समझौता कराने का प्रेशर दे रहे हैं मुझे पिछले जो है लगभग 1.5 महीने से। कोतवाली चौकी में भी जो है बुलाया मुझे, वहाँ धमकाया मुझे, और जगह भी इन्होंने धमकाया, जो है बुलाकर रास्ते में रोक के धमकाया। जब हम इनकी धमकी में नहीं आए तो कल की घटना है, कल 11:30 बजे इन्होंने हमें फ़ोन किया, फ़ोन से धमकी दी। उसकी जानकारी मैंने कप्तान साहब को तुरंत भेजी, मैंने यहाँ सदर कोतवाली फरकाबाद विनोद शुक्ला जी के मोबाइल पर व्हाट्सअप किया। मैंने कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात जो है लेकिन चौकी से जो है गौतम जी वहाँ पहुँचे तुरंत, और उन्होंने जो है इन्हें दारू पीते हुए पाया, जो है श्यामेंद्र दुबे को बोतल भी रखी हुई थी, उन्होंने वीडियो भी बनाई जो है स्वयं पुलिस ने उनके घर में बैठक में, और वो उन्हें टाइट करके चले गए क्योंकि पुलिस ने हमें बताया कि हमने टाइट कर दिया, अब ये तुमसे नहीं गाली गलौज कार्रवाई नहीं करूँ नहीं गाली गलौज नहीं करें। उस मेरे घर पर जो है तमंचा लेकर के आए, जिसका CCTV कैमरा हमारे लगा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डर भी लगा हुआ है, साफ शब्दों में आप लोग सुन सकते हैं कि गाली दे रहे हैं मुझे। मेरे पैर में फालिस है, मेरा एक पैर विकलांग है, तो लंगड़ा शब्दों का प्रयोग किया, इस लंगड़े को ये कर देंगे, वो पूरा वीडियो साक्ष है, मेरे CCTV कैमरे में कैद है। मैं वो तहरीर लेकर के सुबह 10:30 बजे से यहाँ बैठा हूँ कोतवाली में, लेकिन अभी तक शुक्ला जी विपक्ष के दबाव में, चाहे पैसा लिया हो, चाहे राजनीतिक दबाव हो, चाहे प्रशासनिक दबाव हो, वो मेरा मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। मेरा परिवार ये बैठा हुआ है सुबह से, हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं पूरे दिन। मैं ये सोच कर आया हूँ कि यदि मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो आप इंतहा इसी कोतवाली में करेंगे। हम मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने का बच्चा है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम परिवार सहित उन लोगों की गोली से मरने से अच्छा है कानून हमें मार दे या हम अपनी स्वयं आत्महत्या परिवार सहित कर लें। थैंक यू। वैद्य सुखवीर सिंह एतमादपुर आगरा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रतन घी डिपो शुकोहाबाद के डायरेक्टर अनिल कुमार जैन की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नीता पांडे समाज सेवी फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर प्रताप सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू सेंट स्टेफन पब्लिक स्कूल एतमादपुर आगरा के डायरेक्टर कुलदीप वर्मा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार, मैं चंद्रा ऑटो ट्रेडर्स की तरफ से रजत चैन सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आज से अपन सभी अपने जीवन में इन कलर्स की तरह इस जिंदगी को रंगीन करेंगे, और सभी को मेरी तरफ से और माँ भगवती की तरफ से मैं चाहूँगा कि सबके यहाँ मंगल हो, सबके यहाँ कलर की तरह जितने जो हमारे कलर्स हैं उनकी तरह से सबको बहुत बहुत उनके जीवन में रंगीन हो। थैंक।
थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। भारतीय जनता पार्टी शुकोबाद के जिला महामंत्री अवधेश कुमार पाठक की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुनेश कुमार श्री महावीर ढावा NH2 वेस्ट प्राइस जलेसर आगरा की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानपति नारायण दत्त उर्फ नीरज यादव की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सागर कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोहम्मदाबाद टूंडला के चेयरमैन SK सागर की तरफ से होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भाजपा के मंडल महामंत्री योगेंद्र लोधी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिवशंकर झा डायरेक्टर ऑफ झा क्लासेस फिरोजाबाद सभी जनपद वासियों देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी साथ साथ सभी बरात नाम से एक मुस्लिम भाइयों का पर्व होता है उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो पर्व है होली का पर्व हो कोई पर्व ये बहुत ही खुशहाल पर्व होता है विशेषकर भाईचारे का पर्व होता है। इसमें सभी जो भी हमारे देश के नागरिक हैं बहुत कई दूसरे जो जॉब कर रहे हैं या विदेशों में भी जॉब कर रहे हैं वो अपने अपने घर पर आते हैं वतन के लिए आते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से उनके सर्विसिंग। आप सभी को वसीम खान फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सोहेल अब्बास फिरोजाबाद वार्ड नंबर 70 से संभावित पार्षद प्रत्याशी की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।